तो कैसे हो मेरे सिंगल लड़ो, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड वीडियो में। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं होगा लाला एसएमपी की। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या होगा लाला एसएमपी तुम्हें सच में पसंद है? क्या तुम्हें होगा लाला एसएमपी देखने में मजा आ रहा है? क्या होगा लाला एसएमपी में तुम्हें वो देखने में मजा आ रहा है जो तुम्हें हिमलैंड को देखने में आता है? तो आज इस वीडियो में तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हिमलैंड को जो देखने में मजा आता है वो होगा लाला एसएमपी को देखने में नहीं आएगा। तो बने रहना एंड तक, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे होगा लाला एसएमपी देखने में कोई मजा नहीं आ रहा है, हालांकि वो बात अलग है कि 6 महीने में एक वीडियो आई। देखो इसके पीछे एक कारण है कि हमें पता है कि होगा लाला एसएमपी स्क्रिप्टेड है। अब तुम लोग सोच रहे होगे स्क्रिप्टेड हुआ तो क्या हुआ, सिंगल लोंडो, यही तो बात है कि होगा लाला एसएमपी स्क्रिप्टेड है। अबे साले, देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो जब हिमलैंड शुरू हुआ था उसका सीजन 1 और सीजन 2 दोनों नॉर्मल वर्ल्ड थे, लेकिन सीजन 3 स्टार्ट हुआ तब से हिमलैंड स्क्रिप्टेड है। लेकिन ये बात हमें अभी पता है, जब हिमलैंड सीजन 3 स्टार्ट हुआ था तब से स्क्रिप्टेड है, ये बात हमें उसको देखते वक्त नहीं पता चली थी। और मुझे तो हिमलैंड स्क्रिप्टेड है ये बात भी सीजन 4 में आकर पता चली। और तुम लोग सच सच बताना, तुम्हें कब पता चला था कि हिमलैंड स्क्रिप्टेड है? तो अब तुम ही बताओ। हम लोग हिमलैंड को सीजन 1 से देखते आ रहे हैं और शायद तुम में से कुछ लोग सीजन 3 से देख रहे हो क्योंकि तभी से हिमलैंड पॉपुलर हुआ था। अच्छा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि हमें देखते देखते पता ही नहीं चला कि हिमलैंड स्क्रिप्टेड है और इसकी शुरुआत सीजन 3 से ही शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर बात यही आती है कि हमें हिमलैंड का पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें होगा लाला एसएमपी के बारे में पता है कि होगा लाला एसएमपी स्क्रिप्टेड है। एक देखते देखते पता चलना वो अलग चीज़ है और एक पता होकर देखना वो अलग चीज़ है। देखो मैं तुम्हें एक मस्त सा उदाहरण देकर समझाता हूँ, अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें मैं जो कहना चाहता हूँ तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इस स्टोरी को अपने ऊपर लेना। एक दिन तुम उठकर स्कूल जाते हो तो उस दिन तुम जिस जगह पर बैठते हो उस जगह तुम्हारा दुश्मन आकर बैठ जाता है और उसी दिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आता, तो तुम्हारा मूड की ऐसी तैसी हो जाती है और उसी दिन जिस पे तुम्हें क्रश है वो लड़की भी नहीं आती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जैसे ही बाद में स्कूल की छुट्टी होती है तुम स्कूल से बाहर निकलते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी क्रश के साथ गोलगप्पे खा रहा है, तो सोचो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी क्या हालत होगी उस टाइम पे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा। तुम्हारे अंदर यही आ रहा होगा कि भाई सब ऐसी थोर जैसी कोई पावर आए मेरे और ये मारू और सारा स्कूल सारी दुनिया वहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे तुम पैदल अपने घर जाते हो और बीच में तुम्हारी दीदी का या फिर किसी का भी कॉल आता है और तुम्हें पता चलता है कि आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से खुशी होती है और तुम घर जाते हो और खाना खाते हो, तुम्हें खाना खाने में मजा आता है और आराम से मस्त से सो जाते हो। अच्छा ठीक है। लेकिन यहीं पर हम स्टोरी को थोड़ा सा पीछे करें और सोचो कि वहाँ पर तुम्हारी दीदी का कॉल नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया, फड़ाला डिम का कुछ नहीं आया और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर पे क्या बना है और तुम घर जाते हो और वहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी मम्मी ने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, तो सोचो तुम्हें उस टाइम पे कितनी खुशी होगी, कितनी ज़्यादा खुशी होगी तुम्हें, मतलब अंदर से तुम मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, वो हो जाएगा। तो उसके बाद तुम खाना खाओगे, तुम्हें खाना खाने में मज़ा आएगा और मस्त से आराम से गेम वेम खेल कर सो जाओगे, मतलब वो सोचो। तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट वाली स्टोरी थी वो थी होगा लाला एसएमपी और जो सेकेंड वाली स्टोरी है वो है हिमलैंड्स, है ना। तो इस बात को ध्यान से समझो, एक फर्स्ट वाली स्टोरी है जो होगा लाला एसएमपी है और सेकेंड वाली स्टोरी है जो हिमलैंड्स है। हिमलैंड्स को हमें देखने में जो मज़ा आता है वो होगा लाला एसएमपी को देखने में मज़ा नहीं आएगा। बात वही है कि एक देखते देखते पता चलना है कि स्क्रिप्टेड है और एक पता चलने के बाद देखना स्क्रिप्टेड है, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। तो देखो ये मेरा ओपिनियन था तो मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हें बता दिया। अगर तुम भी मेरे जैसे सोच रखते हो तो कमेंट्स में यस ज़रूर टाइप करना। और नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर होने वाली है, मेरे ऊपर होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।